Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना है, उसके लिए ये शॉर्टकट तरीका बहुत काम में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं रिपेयर नहीं करूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा एक चीज, और दिखाने के बाद सब लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। और जिसको मतलब किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरा स्टूडेंट को इलावा, मतलब मेरा जितना स्टूडेंट है उसको सबको मालूम है, लेकिन बाकी किसी को नहीं मालूम है ये जो ट्रिक है। तो इसमें देखिए कितना सारा मोस्फेट है वीआरएम में, तो सबको खोल के चेक करने के लिए टाइम किसके पास है, और ऊपर से एक बोर्ड रिपेयर करके आपको कितना मिलेगा, 150, 200, 250, 300, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो बिना किसी डस के अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी देखिए मैं एक सीधा साधा तरीका आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो है इस तरीके से हम इसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए पहले इसमें लगा देते कि बाजार मोड मीन्स डायोड मोड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक नहीं कर सकते, देखिए। तो वो तरीका अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक 9 वोल्ट का बैटरी, और उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी मैं दिखा दूंगा। इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव से सोल्डरिंग करके मैंने 2 वायर का कनेक्टर लगाया, जो कि ये आपके सामने है, और ये ब्लैक वाला नेगेटिव है और ये रेड वाला है पॉजिटिव। तो इसका वोल्टेज आप एक बार देख लीजिए, 9 वोल्ट के आसपास ही होंगे, आप इससे कम भी होंगे तब भी कुछ दिक्कत नहीं। और इसमें वोल्टेज आप देख लीजिए, क्लियर। तो कोई भी मदरबोर्ड आपके पास अगर आए तो आपको सबसे पहले प्रोसेसर को निकालना होगा, आप बिना निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ऐसे भी आप बोलेंगे कि लैपटॉप का तो इनबिल्ट प्रोसेसर है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ये कनेक्टर आप लगा नहीं सकते एसएमडी में, तो उसके लिए आपको तार सोल्डरिंग करके लगा सकते हैं आप, या तो फिर छोटा वाला, ऐसे ही छोटा वाला कनेक्टर मिलता है जो कि मोबाइल का पावर सप्लाई मिलता है, बेंच पावर सप्लाई मोबाइल का, उसके साथ वो कनेक्टर मिलता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका जो सीपीयू है मीन्स प्रोसेसर, इसको निकाल देते हैं। तो इसके बाद अगर ये एन चैनल है तो एक तरीका, और पी चैनल है तो एक तरीका, मतलब सेम ही तरीका है, सिर्फ इसका जो ये आप देख सकते हैं जैसे चेक करते हैं हम, इसको हम बदल के लगाएंगे। ओके, तो आप एक बार इसका फोटो जो है इसको खींच लीजिएगा, आपको काम पे आएंगे। देखिए ये 9 वोल्ट का बैटरी है, इसमें माइनस देखिए मैंने डायरेक्ट ड्रेन के ऊपर लगाया, और 9 वोल्ट का जो प्लस है वो गेट के ऊपर लगाया, और सोर्स के साथ रेड प्रोब और ड्रेन के साथ ब्लैक प्रोब लगाया। तो ये एन चैनल जो है एन चैनल चेक हो जाता है और बीप साउंड करता है, और ये गेट से हटाने के बाद सप्लाई ये मतलब कि शॉर्ट नहीं दिखाएगा। और वैसे ही इसमें उल्टा करेंगे कि पॉजिटिव जो है ड्रेन के ऊपर देंगे और नेगेटिव जो है इसका यहां पे देंगे, तो इसमें गलत मैंने लिख दिया, इसमें ब्लैक होगा क्योंकि ये पी चैनल है, सॉरी फॉर दैट, इसमें ब्लैक होगा और इसमें ये रेड होगा। ओके, तो ये ऊपर की तरफ ड्रेन की तरफ रेड प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर का, और सोर्स में ये ब्लैक प्रोब रखेंगे, तो ये चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो ये थोड़ा सा गलत था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने जल्दी में कर रहा था, ठीक है, इसको मैं ब्लैक लिख देता हूं, ठीक है। तो देख लीजिए आप एन चैनल के उल्टा, मतलब जैसे एन चैनल चेक करते हैं उसके ठीक उल्टा करेंगे तो आपका पी चैनल मोस्फेट चेक कर पाएंगे। तो देखिए ये नेगेटिव का प्रोब जो है इसमें हम इसको लगा देंगे, बैटरी का नेगेटिव कनेक्टर, और ये जो है ये कोई भी मोस्फेट की गेट पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस मोस्फेट की गेट पे लगाया, आप इधर से देखेंगे तो इस एंगल से आपको दिखेगा। तो देखिए दिख रहा है, और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, अभी सिर्फ ये जो है इसे और इसे हम इस्तेमाल करेंगे।
तो जो मोस्फेट की गेट में हम लगाए इसका सप्लाई, तो उसकी ड्रेन पे ये ब्लैक वाला प्रोब ऐसे इसमें लगा देंगे। देखिए उसी मोस्फेट की ड्रेन में मैं लगा रहा हूं, तो इसको ऐसे लगाएंगे तो ये बीप साउंड करेगा। और मल्टीमीटर को भी तो दिखाना है, तो मैं मल्टीमीटर भी आपको दिखाता हूं। तो अब देखिए इसमें इस तरीके से हम चेक करेंगे, और अगर हम ये सप्लाई नेगेटिव को भी या तो फिर पॉजिटिव को भी निकाल देंगे तो ये बीप नहीं करना चाहिए, अगर शॉर्ट नहीं है तो। देखिए ओम्स आ रहा है 400, देखिए। और ये अगर ब्लैक प्रोब जो है इसको लगा देंगे इधर, तो आपको इसमें 0 ओम्स शो करेगा, दिख रहे हैं। इस तरीके से सब मोस्फेट को आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा मोस्फेट जो है इसकी गेट पे लगा देते हैं। पहला पिन गेट होता है, तो अब यहां पे आराम से देख पाएंगे इसको। अब देखिए ये ब्लैक जो है इसको हम इसमें लगा देंगे, और इसकी ड्रेन के ऊपर काफी मुश्किल का लग रहा है, क्योंकि दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए चेक करने में उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि चेक जब हम करते हैं तो उस टाइम कैमरा का स्टैंड भी सामने नहीं रहता है, तो इसीलिए दिक्कत नहीं होता। और एक चीज देखिएगा आप, इसकी जो ड्रेन है, ड्रेन की जो बीच वाला कनेक्टर है उसके साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसकी ड्रेन के ऊपर रखा, और मल्टीमीटर में इसका बीप साउंड आएंगे, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको अगर हम हटा देंगे और उसके बाद दोबारा चेक करेंगे इसी मल्टीमीटर से, तो इसमें ओम्स आएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीका आप अप्लाई करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को बताइए, दोबारा मैं दिखा रहा हूं, और इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप, बड़े आराम से देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, ठीक है। तो देखिए अब इस मोस्फेट को हम चेक करने वाले हैं, ड्रेन में ब्लैक प्रोब, और देखिए सोर्स में मैं रेड प्रोब लगा रहा हूं। मल्टीमीटर की तरफ भी एक बार देख लीजिए, 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये गेट से भी हटा सकते हैं आप, सप्लाई हटा देंगे तो इसमें ओम्स दिखेगा, देखिए उधर ओम्स दिख रहा है। मल्टीमीटर देखिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मोस्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से चेक करिए, और चेक करने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो भाई ये तरीका अप्लाई करके आप बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको समझ में आएंगे कि मोस्फेट सच में ट्रिगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके का अप्लाई करके आप रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मेरा भी रिक्वेस्ट है आप लोग करिए। और कुछ लोग हेटर्स होते हैं, उनका भी वेलकम है, वो लोग भी देखे इसको, इस वीडियो को, और मेरी उम्मीद है कि वो लोग भी इसमें लाइक मारेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा प्यारा सा मित्रों, भाई और बहनों, सब लोग सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।